खबर का रुख करते हैं रांची का, जहां बीएनआर में हेल्थ केयर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। डॉक्टर डीके सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए अधिकारीगण, WHO UNDP के प्रतिनिधिगण, अस्पतालों के संचालकगण और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, इस समिट में सर्वप्रथम मैं आए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल और राज्य से दूसरे राज्य से आए हमारे सभी प्रतिनिधिगण का मैं झारखंड की धरती में भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, हम सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि न देश में रोगियों की कमी है न रोगों की, और देश में लगातार रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसको किस प्रकार रोका जाए, इसके लिए हर संभव उपाय करने की आज बहुत आवश्यकता है, और जिसकी बात नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने, हम किस तरह ये जो रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम किस तरह प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, विस्तृत रूप से हम सबको बताने का काम किए। और आज आप भी दिन भर जो इस संगोष्ठी के माध्यम से जो मंथन करेंगे और मंथन से जो अमृत निकलेगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, झारखंड सरकार अक्षरशः उसको अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि जो रोगियों की संख्या जो बढ़ रही है वह जनसंख्या के कारण है। सरकार ने सब कुछ काम किया, सबके लिए सहायता भी दी और सब चीजें जनता को मुहैया कराने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन एक काम में सरकार ने कभी सहायता नहीं दी और वो है परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में। अगर दी हो तो आप बता दो, दी है जनसंख्या बढ़ाने में सरकार ने कोई सहायता? लेकिन बिना सरकार की सहायता से भी कैसे बाद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है लोगों को चिंता नहीं है इस बात के कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, किस तरह से व्यवस्था होगी। तो नीति आयोग से मेरा अनुरोध होगा इस दिशा में भी कि ये जो बढ़ती जनसंख्या हम इस पर किस प्रकार लगाम लगाए ताकि व्यवस्था ठीक ढंग से चले, इस दिशा में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परिवार जितना छोटा होगा उतनी ही बीमारी से मुक्ति मिलेगी, परिवार जितना छोटा होगा उतनी ही दरिद्रता से भी मुक्ति मिलेगी, परिवार जितना ही छोटा होगा उतना ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इस दिशा में भी हमें जनता के बीच जागरूक करने की जरूरत है कि हम बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रण करें,
ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर आप और हम मिलकर जो भी व्यवस्था बनाते हैं वो व्यवस्था व्यवस्थित रहे, इस पर भी हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे हमारे मंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने आपको बताया, लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग ने स्वास्थ्य पर फोकस किया और दिशा में काफी काम हुए और नीति आयोग के जो आंकड़े ये साबित करता है कि राज्य सरकार के कार्य में व्यवस्था सुधार हुई। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जो नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में के लिए जो झारखंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, तीन सूचकांकों में किसके जो सुधार किस चीज में सुधार हुए, ये वे जो हमारे जो पोषण के बारे में पॉल साहब बता रहे थे, मातृत्व मृत्यु दर 2000 में 400 प्रति लाख थे, आज घटकर 165 प्रति लाख हो गए। उसी तरह शिशु मृत्यु दर 2000 में 72 प्रति हजार थे, आज घटकर 29 प्रति हजार हो गए। उसी तरह संस्थागत प्रसरों 13.5% था, आज बढ़कर ये 87% हो गए। इसी तरह पूर्ण टीका दर 9% था, आज बढ़कर 87% हो गया। इसी कारण नीति आयोग ने झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अस्पताल में ओपीडी सर्विसेज को प्रदान करने वाले झारखंड तृतीय स्थान।